अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शहाद, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे जी, शादाब रखे। अज़ीज़ कैटल फार्म, हासलपुर, ज़िला बहावलपुर, रौन के माशाल्लाह अरूज पर आ रही हैं। और ये सब अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम और दोस्तों की मोहब्बतें हैं। माशाल्लाह सिलेक्शन चेक करें, प्रिंट वाला माल, सादा माल, माशाल्लाह हर तरह का माल हमारे पास इस वक्त फॉर्म पे अवेलेबल है। दोस्तों का है सारा, जर्मर थे कुछ सेल के लिए, वो काफ़ी सारे सेल हो गए हैं। अभी और कलेक्शन कर रहे हैं, जर्मर ख़रीद रहे हैं ऐसा ऐसा, जैसे जैसे ऑर्डर हमारे पास हैं, पेमेंटें आ रही हैं। ये माशाल्लाह बछड़े चेक करें आप, एक से बढ़कर एक बछड़ा, एक से बढ़कर एक। तो जो भी दोस्त जर्मर पुलवाई के हवाले से मालूमात करना चाहता हो, तारिक चौधरी का नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर 0300 वाला, नीचे वाला नंबर मेरा चल रहा है, आप इन पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपके भाई हाज़र हैं, कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये देखें माशाल्लाह रौनकें काफ़ी लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा प्यार मोहब्बत है ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी, ये उनकी चाहते हैं जी। लोगों ने हमें देखा भी नहीं है और माशाल्लाह पेमेंटें आ रही हैं, माल कोई ऑनलाइन ख़रीद के आ रहा है। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमसे ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने हमें पेमेंटें भेजी हैं और बताया कि इस तरह का माल ख़रीदें, तो उसी कैटेगरी का माल माशाल्लाह ख़रीद रहे हैं। ये प्रिंट चेक करें, एक से बढ़कर एक। इंशाल्लाह वन बाई वन, नेम बाई नेम मैं आपको चेक करवाऊँगा अगली वीडियोस तक। मेरा यानी कि अभी तक सबको, अभी कुछ मेरे रेफरेंस से बंदे आ रहे हैं, कुछ तारिक भाई के रेफरेंस से आ रहे हैं, कुछ शहजाद भाई के रेफरेंस से आ रहे हैं, तो इस वजह से ना दोस्तों के नाम याद नहीं है सबके, तो जिसके लिए माजरत है। कोशिश होगी कि जर्मर आपको चेक करवाए जाए, ताकि जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो अपने अपने बछड़े देख सकें। और ये सारे माशाल्लाह जो है ना वो मेंबर्स के नाम पे अलाउड है, इनको टैग शैग जो है वो लग चुके हैं, और ये सेल के लिए नहीं है। जो सेल के लिए जर्मर होंगे उनकी अलग से वीडियोज़ बनाएँगे और आपको बताएँगे, दिखाएँगे कि ये जो जर्मर हमारे सेल के लिए हैं। एक से बढ़कर एक प्रिंट है, 12000 रुपया हम लोग ले रहे हैं एक जनवर का, एक महीने का प्लाई का। और अगर 11 महीने जनवर रुकेगा तो 11 महीने की प्लाई लेंगे, अगर 12 महीने रुकेगा 12 महीने की, और अगर 10 महीने का रुकेगा, यानी कि जितना जनवर आपका हमारे पास स्टे करेगा। लेकिन हमने अपनी बुकिंग बंद कर देनी है इंशाल्लाह, हमारे थोड़ा सा रह गया काम और टारगेट हमारा पूरा हो गया, तो इंशाल्लाह हमने इसको वाइंड अप कर देना अपना बुकिंग वाला सिलसिला। सिर्फ उन दोस्तों की जगह हो गई, यानी कि जिन्होंने पहले का हमें बोला हुआ है, टोकन शोकन जिनके आए हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट होती है, वसाइल होते हैं, खुरलियाँ बना रहे हैं, ये आपके सामने मिस्त्री लगा हुआ है। इसी तरह इंशाल्लाह एक सेंटर में और खुरली बनेगी, बाकी कुछ छांव वगैरह बढ़ाई जाएगी, अपने बाकी के जो वसाइल हैं उनको भी इंशाल्लाह बढ़ाया जाएगा, ताकि जितने हमारे पास जानवर हों उनसे ज़्यादा हमारे पास जगह हो। तो अनलिमिटेड है नहीं, लिमिटेड काम है इंशाल्लाह। 140-150 का हमारा है प्रोग्राम, स्पेस हमारे पास 200 प्लस जानवर की है, लेकिन हम इस तक इंशाल्लाह इसको रोकना है हमने, इससे ऊपर नहीं जाना। उसकी वजह यह है कि आसानी के साथ कंट्रोल होना चाहिए कारोबार के ऊपर, काम के ऊपर बंदे का होल्ड होना चाहिए, इंशाल्लाह उसी तरीके के तहत काम करेंगे, थोड़ा करेंगे लेकिन इंशाल्लाह अच्छा सुथरा और ज़बरदस्त करेंगे। लोगों की ये मानते हैं, इनका ख्याल कर रहे हैं पूरा। टोटल साइलेज तोड़ी और वनडे पे प्लाई है, वनडे की प्लाई पे टोटल यानी कि 12000 रुपया है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं है। और जानवर आपका होगा वो आप हमें ले के दें, वो भी कोशिश करें कि आपका जानवर अच्छा होना चाहिए, ये ना हो कि जानवर आ जाएगा मरियल किस्म का, 60000 का भी मिल जाएगा, 50000 का भी जानवर मिल जाएगा कुर्बानी के लिए, लेकिन मसला ये होगा कि उसको वनडे पे स्टार्ट करते करते, उसकी ग्रोथ को बेटर करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम होता है थोड़ा, एक साल होता है, एक साल में से महीना गुजर जाता है जानवर की ख़रीदारी में, पीछे रह गया 11 महीने, 11 महीने में से भी 10 दिन पहले जानवर को मालिकों के हाथ में डिलीवर करना है, तो ये दिन काल गुल के हमारे पास 10-10.5 महीने बचते हैं। तो अगर जानवर को सेट ही करते रहेंगे, वो उसको यानी कि समझ लें कि छिले में से निकालते रहेंगे, तो वो बड़ा टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जानवर लें 250 केजी तक, 250 केजी हो, 230 केजी, 40 केजी, 50 केजी ऊपर हो, कोई हर्ज नहीं है, आए जानवर अपने हिस्से की खुराक खाए और बने, जो जो हमारा मकसद है जानवर बनाना, जानवर तैयार हो, मालिक जो जिस काम के लिए हमें जिस पैसे पे करते हैं वो काम होना चाहिए। छोटे जानवर पे ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा,
अच्छा हो, बनने वाला हो, मोटी हड्डी हो, मोटी टांग हो, चमड़ी वाला हो, नाफ झालर में हो माशाल्लाह। ये रौनकें चेक करें, सारी माशाल्लाह अजीज़ कैटरिंग फार्म पे बाहरें लग रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 30 से 40 बछड़े जो हमने और ख़रीदने हैं जिनकी बुकिंग हमारे पास पड़ी है, पैसे भी आए पड़े हैं और अब सिर्फ ख़रीदारी में देर हो रही है। तो इंशाल्लाह ये ऐसा ऐसा अल्लाह के हुक्म से एक महीना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा, सारा टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आप देख लें माशाल्लाह एक से बढ़कर एक बछड़ा है। 12,000 रुपया एक जानवर का एक महीने का है और इसके अलावा कोई पैसा नहीं है। लेबर हमारी है, साइलेज, तूड़ी, वंडा, इन चीज़ों पे प्लाई है, इसके अलावा यानी कि कोई नई चीज़ इसमें तेल की और जो भी यानी कि सीरा वगैरह है या जो भी जानवरों की खुराक है मौसम के लिहाज से ज़रूरी समझी जाती है, वो सारी इनको इन्हीं पैसों में दी जाएगी इंशाल्लाह। और तेल शेल खिलाया जाएगा, सर्दी का मौसम आएगा, घी खिलाया जाएगा इंशाल्लाह इनकी, ताकि इनकी चमड़ी में चमक आए, बने इनके जो जिस्म है वो खुले माशाल्लाह। अगर कोई दोस्त स्पेशल कहें कि मेरे जानवर को आप ये चीज़ खिलाएं, ये चीज़ खिलाएं, ये चीज़ खिलाएं, तो वो हमारे यानी कि फील्ड में से बाहर होगा और उसके मालिक को पे करना पड़ेगा माशाल्लाह। हमारी जो सारी खुराक है इसी के अंदर अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ है, घी, तेल, सीरा वगैरह, एक से बढ़कर एक यानी कि अपनी तरफ से हमारे इंतज़ाम हैं। पिछले साल आपने देखा ही है, वो हमने पिछले साल 11,500 था, इस बार हमने 12,500 किया है, 12,000 रुपये इस बार किया है। ये सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस पड़ा है, वो इतनी महंगाई भी हो गई है, चीज़ें बड़ी महंगी हो रही हैं तेज़ी के साथ, तो इस वजह से हमने वो गुंजाइश की है। बाकी इंशाल्लाह जानवरों को खिला रहे हैं। कलर आपकी सिलेक्शन है, आप किस कलर का लेते हैं, कौन सा लेते हैं, तो मज़ीद किसी भी किस्म की डिटेल के लिए भाई आपके हाज़िर हैं, तारिक भाई, शाहिद भाई, कॉल करें, व्हाट्सअप करें। वीडियो अच्छी लगे तो दबा के शेयर भी करनी है, लाइक भी करना है, कमेंट करके अपनी अच्छी राय भी देनी है। जजाक।